हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। माय नेम इज़ हर्षिल रावल। आई एम एप्लीकेशन इंजीनियर इन पिकॉन अहमदाबाद। तो आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट मॉडलिंग के अंदर रेफरेंस जियोमेट्री। रेफरेंस जियोमेट्री का काम क्या होता है और उसके मदद से हम बाकी सारे टूल्स कैसे वर्क कर पाते हैं। तो उसके साथ साथ हम स्वीप बॉस है, लॉपटेड है, वो सारे टूल्स भी हम देखने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लेंगे न्यू पार्ट, यहाँ से पार्ट में जाना है और ओके करेंगे। जैसे ही ओके करते हैं तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पे रेफरेंस जियोमेट्री दी हुई है। रेफरेंस जियोमेट्री के अंदर पूरा रेफरेंस जियोमेट्री देखना है तो उससे पहले हम कोई एक स्केच बनाते हैं सिंपल सा। मैं अभी लाइन से या कुछ बनाता हूँ। और इसको एग्जिट कर देता हूँ। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है प्लेन। तो जैसे ही प्लेन में जाते हैं तो प्लेन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पे ऑलवेज हमको हमारे पास तीन ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, लाइक फर्स्ट रेफरेंस है, सेकंड रेफरेंस है, थर्ड रेफरेंस है। थर्ड रेफरेंस का यूज़ हम 99% नहीं करते हैं। पहले दो रेफरेंस में ही पूरा प्लेन क्रिएट हो जाता है। तो अभी देखते हैं प्लेन कितने टाइप के हैं। तो पहला है सिंपल प्लेन, लाइक कोई एक प्लेन ले लेते हैं, उसके रेफरेंस से प्लेन बनेगा। मैं फर्स्ट रेफरेंस के अंदर यहाँ से जो एरो है वहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे फ्रंट प्लेन ले लेता हूँ। जैसे ही फ्रंट प्लेन लेता हूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाता है, ऐसे ऑप्शन भी दिए हुए रहते हैं। तो आपको अगर ये प्लेन के रेफरेंस से कोई ऑफसेट ले डायमेंशन देके आपको कोई प्लेन बनाना है तो आप फर्स्ट रेफरेंस के अंदर कोई एक प्लेन ले सकते हो। लाइक मैं अभी लेता हूँ 20 mm। अभी मेरा डायरेक्शन है वो किस साइड है फ्रेंड्स, नीचे की साइड है। मैं अगर ऊपर की साइड फ्लिप साइड लेना चाहता हूँ तो यहाँ से फ्लिप ऑफसेट कर दूंगा। तो आपको जितने mm का ऑफसेट चाहिए उतना mm यहाँ पे लिख दो। और एक साथ आपको मल्टीपल प्लेन भी क्रिएट करना है तो हम यहाँ से भी प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्लेन टू क्रिएट। तो मैं अभी यहाँ पे चार प्लेन बना देता हूँ। एक प्लेन तो हमने रेफरेंस लिया है तो वो नहीं गिना का, और यहाँ से ओके कर देते हैं। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो हमारे पास चार प्लेन क्रिएट हो गए हैं। जैसे ही प्लेन क्रिएट हो गए हैं तो अब हम प्लेन के मदद से हम कोई ड्राइंग बना सकते हैं, लाइक प्लेन टू के ऊपर ये वाला स्केच बनाते हैं। अलग अलग जो भी प्लेन पे आपको वर्क करना है वो प्लेन पे आप स्केच बना सकते हो। तो ये हुआ सिंपल प्लेन, कोई रेफरेंस से बनाया हुआ, कोई प्लेन के रेफरेंस से बनाया हुआ प्लेन। दूसरा है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक मेरे पास स्केच है या कोई फेस है तो उसके रेफरेंस से भी बना सकते हैं हम भी। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उसको मैं हाइट दे देता हूँ। जैसे ही हाइट देते हैं ओके करते हैं। अब भी मुझे ये फेस के रेफरेंस है, लाइक ये जो फेस है उससे कोई ऑफसेट देना है, ऑफसेट देकर प्लेन बनाना है। तो भी हम रेफरेंस जियोमेट्री में जाएंगे, प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और कोई फेस सिलेक्ट कर देंगे तो भी सेम ही ऑप्शन आएगा। मुझे अभी 20 mm चाहिए तो 20 mm ले लो। मिड प्लेन से बनाना है तो को दूसरा फेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट अभी वो बंद कर देता हूँ। मैं सिंपल सा 20 mm डायमेंशन लेके ओके कर देता हूँ। तो मैं मेरा जो प्लेन है वो 20 mm रेफरेंस से प्लेन क्रिएट हो गया है। तो ये हुआ फेस प्लेन और प्लेन कोई रेफरेंस से प्लेन बनाया है वो। दूसरा टाइप है मेरे पास कि एज प्लेन, तो उसके लिए मुझे कोई एज सिलेक्ट करना पड़ेगा और फेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट रेफरेंस के अंदर मैं एज सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड रेफरेंस के अंदर फेस सिलेक्ट करते हैं तो ऐसा हमारे पास प्लेन क्रिएट हो जाएगा
जस्ट ओके करते हैं तो हमारे पास प्लेन क्रिएट हो गया है। आपको जिस साइड प्लेन बनाना है वो एड सिलेक्ट करना है। लाइक मैं नया प्लेन ले लेता हूँ, एड्ज के अंदर ये एड्ज और फेस के अंदर ये फेस ले लेते हैं। तो जो एड सिलेक्ट किया है वो ही वहाँ पे प्लेन क्रिएट हो जाएगा। तो ये हुआ एड्ज प्लेन। अभी हम तीसरा टाइप देखने वाले हैं, तो उसके लिए हमको को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए मैं फ्रंट प्लेन पे जाता हूँ, स्केच बनाता हूँ। लाइक मान लो कि मैंने स्प्लाइन से कोई एक रेफरेंस बना लिया है, ये बहुत काम का प्लेन है, ये बहुत जगह पे हम यूज़ करते हैं। तो अभी देखते हैं परपेंडिकुलर प्लेन। तो परपेंडिकुलर प्लेन के लिए हमको फर्स्ट रेफरेंस के अंदर ये पॉइंट लेना है और सेकंड रेफरेंस के अंदर हमें ये जो लाइन जो स्प्लाइन है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे हम लाइन स्प्लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन क्रिएट हो गया है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर प्लेन। अभी हमको स्केच करना है, नॉर्मल भी करके हम प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही अगर मुझे ये पॉइंट के रेफरेंस से प्लेन बनाना है तो भी मैं प्लेन में जाऊंगा, ये पॉइंट सिलेक्ट करूंगा और फिर स्प्लाइन सिलेक्ट करूंगा तो भी वो परपेंडिकुलर प्लेन पे वर्क करेगा। तो ये हुआ परपेंडिकुलर प्लेन। अभी मान लो कि मुझे ये एज के एंड पॉइंट पर कोई एक प्लेन बनाना है, तो सेम वही तरीके से हम फर्स्ट रेफरेंस के अंदर ये पॉइंट ले लेंगे और सेकंड रेफरेंस के अंदर हम ये लाइन ले लेंगे, तो उसका परपेंडिकुलर प्लेन ऐड हो जाएगा। अब है एंगल प्लेन। तो एंगल प्लेन के लिए हम फर्स्ट रेफरेंस ले लेते हैं, सेकंड रेफरेंस के अंदर ये फेस ले लेते हैं और यहाँ से एंगल में जाते हैं और एंगल लिख देते हैं 45 का एंगल। जितना भी एंगल आपको चाहिए उतने एंगल क्रिएट कर दो। अगर मुझे फ्लिप साइड एंगल चाहिए तो फ्लिप साइड एंगल ले लो। जितना भी एंगल आप लोगे यहाँ से उतने एंगल पे वो बनेगा। अगर मुझे मल्टीपल ऑफसेट के साथ कोई प्लेन क्रिएट करना है तो हम यहाँ से नंबर ऑफ प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एंगल ऑफ प्लेन। तो नॉर्मली इतने टाइप के प्लेन है हमारे पास। अब दूसरा टाइप है हमारे पास एक्सिस। हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो एक्सिस हम नॉर्मली सिलिंड्रिकल फेस पे यूज़ करते हैं। लाइक अगर मेरे असेंबली है, असेंबली के अंदर कोई सेंटर एक्सिस मुझे फाइंड करना है तब हम ये एक्सिस का यूज़ करते हैं। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का सेंटर भी फाइंड करना है, मुझे सेंटर पे कोई एक लाइन बनाना है तो भी हम एक्सिस के मदद से क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं एक्सिस में जाता हूँ तो हमारे पास इतने ऑप्शन हैं, वन लाइन एज एक्सिस, टू प्लेन, टू पॉइंट वर्टाइज, सिलिंड्रिकल, कॉनिकल फेस, पॉइंट एंड फेस प्लेन। तो अभी मैं देखता हूँ कि वन लाइन एज एक्सिस के अंदर कोई एक लाइन सिलेक्ट करना है, इसको पहले क्लिक करता हूँ और एज सिलेक्ट करते हैं एज सिलेक्ट करेंगे तो वो एज पे एक्सिस क्रिएट हो गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सिस अभी क्रिएट हो गया है। वापस मैं एक्सिस में जाता हूँ, वन लाइन एज में जाता हूँ, ये लाइन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक्सिस क्रिएट हो गई। तो आपको जो भी एक्सिस चाहिए, जो भी एज पे एक्सिस चाहिए वो एज सिलेक्ट कर दो और आपकी एक्सिस तैयार हो गई है। अभी दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि टू प्लेन। टू प्लेन के अंदर क्या करना पड़ेगा कि हमको ये एरो में जाना पड़ेगा और यहाँ से दो प्लेन सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप रेक्टेंगल का सेंटर फाइंड हो जाएगा। अभी मैं इसको सप्रेस कर देता हूँ। अभी मुझे रेक्टेंगल का सेंटर फाइंड करना है, सेंटर मेजर करने के लिए मुझे एक्सिस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सिस में जाएंगे, यहाँ से टू प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके सिंपली फ्रंट प्लेन और टॉप प्लेन सिलेक्ट कर देना है तो हमारा उस सेंटर से एक्सिस बनने का स्टार्ट हो गया है।
तो ये हो गया मेरा फ्रंट प्लेन और टॉप प्लेन। मैं इसको मिड प्लेन पे ले लेता हूँ तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि सभी सेंटर में आ जाएगा। देखो ये मेरा सेंटर में आ गया है। वैसे ही वापस मैं एक्सिस में जाता हूँ, यहाँ से प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, टू प्लेन में टॉप प्लेन और राइट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरा सेंटर एक्सिस आ गया। वापस हम एक्सिस में जाते हैं, टू प्लेन सिलेक्ट करते हैं, टू प्लेन के अंदर टॉप प्लेन और राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, तो मेरा ये वाला एक्सिस आ गया। तो प्लेन एक्सिस के मदद से आप ऐसा रेक्टेंगल का सेंटर फाइंड करना चाहते हो, सेंटर में कोई एक्सिस लगाना चाहते हो, तो भी हम एक्सिस के मदद से, टू प्लेन एक्सिस के मदद से बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है टू पॉइंट और वर्टाइस। टू पॉइंट और वर्टाइस का यूज़ हम कब करेंगे, अगर मुझे कोई इंक्लाइन एक्सिस बनाना है और कोई वर्टाइस पॉइंट, दो पॉइंट लेंगे हम, वहाँ पे एक्सिस बनाना है, तब हम टू पॉइंट और वर्टाइस का यूज़ करेंगे। टू पॉइंट वर्टाइस के अंदर हमको एक पॉइंट ये सिलेक्ट करना है, दूसरा पॉइंट जहाँ पे भी हमको वर्टाइस एक्सिस बनाना है वो पॉइंट सिलेक्ट कर देना है। तो मेरी वर्टाइस एक्सिस क्रिएट हो गई है। वापिस एक्सिस में जाता हूँ, फर्स्ट पॉइंट ये लेता हूँ, सेकंड पॉइंट ये लेता हूँ, तो वो डायरेक्ट वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा एक्सिस। तो ये नॉर्मली तीन टाइप की एक्सिस हो गई है। उसके बाद आता है सिलिंड्रिकल और कॉनिकल फेस। सिलिंड्रिकल और कॉनिकल फेस के लिए मैं इसको ऑन सप्रेस कर देता हूँ। अभी ये सिलिंड्रिकल है, उसका सेंटर एक्सिस फाइंड करना है मुझे, निकालना है। तो उसके लिए हम एक्सिस में जाएंगे, यहाँ पे सिलिंड्रिकल और कॉनिकल फेस में जाना है, सिंपल सा आउटर फेस को सिलेक्ट करना है। तो हमारी ये जो एक्सिस है वो क्रिएट हो गई है। तो ये चौथा ऑप्शन है सिलिंड्रिकल और कॉनिकल फेसिस। अभी पांचवा और लास्ट ऑप्शन ले लेते हैं एक्सिस के अंदर ही, कि पॉइंट एंड फेस प्लेन। मैं एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ से कोई एक प्लेन ले लेते हैं, तो भी वो एक्सिस क्रिएट हो जाएगी। वैसे ही आपको अलग अलग पॉइंट वाइज एक्सिस बनाना है तो भी आप ले सकते हो। टॉप प्लेन ले लो तो टॉप प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस बन गई। जैसे ही आपको एक्सिस क्रिएट करना है वैसे आप एक्सिस सिलेक्ट कर सकते हो। अब आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, लाइक सेंटर ऑफ मास है या मेजर इवेल्यूट के अंदर हमको मास प्रॉपर्टीज चेक करना है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ से बनाएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए हम फीचर्स में जाएंगे और यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है। अभी जो भी पॉइंट पे हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, जो भी वर्टेक्स पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है वही सिलेक्ट करना है। लाइक मैं ये पॉइंट पे वर्टेक्स बनाना चाहता हूँ, ये वर्टेक्स पे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से वर्टेक्स सिलेक्ट कर दूंगा। एक्स एक्सिस अब कौन सी चाहिए मुझे, जो भी एक्सिस आपको चाहिए वो एक्सिस सिलेक्ट कर दो। वाई एक्सिस आपको जो कौन सी चाहिए तो ये वाली, और जेड एक्सिस मुझे ये वाली चाहिए। तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे बना है, अभी मुझे उसको ऑपोजिट करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, तो मैं यहाँ से जेड डायरेक्शन चेंज करता हूँ और वाई डायरेक्शन चेंज करता हूँ, तो ये मेरी तो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट हो गया है। तो आपको जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करना है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हो। अगर मुझे ये पॉइंट पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है तो मैं ये पॉइंट ले लूँगा। वापिस एक्स एक्सिस मेरी कौन सी, ये वाई एक्सिस मेरी ये, और जेड एक्सिस मेरी ये। अभी फ्लिप साइड कर देना है, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट हो गया है।
तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से हम टेबल ड्रिवन पैटर्न बना सकते हैं, सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम यूज कर सकते हैं। अब आता है सेंटर ऑफ मास और पॉइंट। पॉइंट पॉइंट हम नॉर्मली कोई एक एज पे लगा देंगे। जब भी आपको कोई पॉइंट लेना है, प्रोजेक्शन या कुछ लेना है, तब हम पॉइंट का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली पॉइंट हम स्केच में जाके भी यूज कर सकते हैं, वही है, दोनों सेम ही है, इसका यूज ज़्यादा नहीं होता है। अब आता है सेंटर ऑफ मास। जैसे ही सेंटर ऑफ मास ऑन करते हैं तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऐड हो जाएगा हमारा। तो सेंटर ऑफ मास हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो फाइंड करना है उसके लिए हम करेंगे। अब ये बाउंडिंग बॉक्स, बाउंडिंग बॉक्स में जाते हैं और पार्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ मैं, ओके करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स आ गया है। ये बाउंडिंग बॉक्स का आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते, नॉर्मली हम रेफरेंस जियोमेट्री के अंदर ये तीन ही ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब है हमारे पास कर्व। कर्व क्या यूज़ आएगा, तो उसके लिए हम कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं 3D, लाइक चलो स्फीयर बनाते हैं। अभी मैं यहाँ से सर्कल की मदद से मैं एक स्फीयर बनाता हूँ, सॉरी। अभी मैं फ्रंट प्लेन पे या फ्रंट प्लेन के रेफरेंस से कोई प्लेन बनाता हूँ और कुछ बनाता हूँ, लाइक आर्क की मदद से मैं टेनिस बॉल क्रिएट करता हूँ। ये अभी सिंपल सा एक आर्क बनाया है मैंने, वो भी कौन से रेफरेंस में है, फ्रंट प्लेन के रेफरेंस में। मैं अभी फ्रंट प्लेन के रेफरेंस में है। अब इसका जो प्रोजेक्शन है वो पूरे फेस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर्व में जाएंगे और स्केच ऑन फेस लेना है। स्केच में ये स्केच और फेस के अंदर ये फेस सिलेक्ट करना है, तो हमारा जो स्केच है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो जैसे ही आपको उसका प्रोजेक्शन निकालना है तो आप प्रोजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा टाइप है कि मेरा जो बॉक्स है, एक सिंपल बॉक्स बनाते हैं, उसके ऊपर भी आपको कोई प्रोजेक्शन लगाना है। मैं अभी इसके रेफरेंस से कोई एक प्लान बनाता हूँ 20 mm का। वापिस मुझे ऐसा प्रोजेक्शन चाहिए किसके ऊपर, ये बॉक्स के ऊपर, तब हम प्रोजेक्शन कर्व का यूज करेंगे। स्केच के अंदर ये स्केच सिलेक्ट करना है और प्लेन के अंदर सिंपली प्लेन सिलेक्ट करना है। जैसे प्लेन सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा जो स्केच है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो प्रोजेक्शन का यूज, प्रोजेक्ट कर्व का यूज हम प्रोजेक्ट करने के लिए करेंगे। दूसरा है हमारे पास स्प्लिट लाइन। स्प्लिट लाइन का यूज कब करेंगे, अगर मुझे ये एक बॉडी है उसको मुझे दो पार्ट में कन्वर्ट करना है, मीन्स नीचे का पार्ट अलग बनाना है और ऊपर का पार्ट स्प्लिट करना है, तब हम स्प्लिट लाइन का यूज करेंगे। अभी मैं एक सिंपल सा लाइन की मदद से ही मैं ये बॉडी को स्प्लिट करना चाहता हूँ यहाँ तक। ये नीचे की बॉडी अलग और ऊपर की बॉडी अलग, तब हम स्प्लिट में जाएंगे, स्प्लिन लाइन लेना है और प्रोजेक्शन ले लेना है। स्केच के अंदर मैं जैसे ही स्केच लेता हूँ और फेस के अंदर जैसे ही फेस लेता हूँ, ये चारों फेस ले लेता हूँ मैं अलग अलग और ओके करता हूँ, तो मेरा जो
पार्ट है वो यहाँ से स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हो जैसे ही हम फेस सिलेक्ट करते हैं तो ये अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हो गया है। तो स्प्लिट का यूज़ हम ट्रैप के अंदर भी कर सकते हैं। स्प्लिट करने के बाद आप ट्रैप के अंदर भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पार्टिंग लाइन है, स्टेप ट्रैप है, तो वो दोनों के लिए हम स्प्लिट लाइन का यूज़ कर सकते हैं। अब है कॉम्पोजाइट कर्व। कॉम्पोजाइट कर्व का यूज़ कहाँ पे आता है कि अगर मेरा कोई दो ऑब्जेक्ट है, दो स्प्लाइन अलग अलग जगह पे मैंने बनाया हुआ है, लाइक फ्रंट प्लेन लेता हूँ, एक स्प्लाइन मैंने यहाँ पे बनाया है, वापिस फ्रंट प्लेन पे ही दूसरा स्प्लाइन बनाता हूँ मैं वहाँ से, ये मेरा अभी दोनों अलग अलग स्प्लाइन है, उसको एक करना है। तब हम कॉम्पोजाइट कर्व में जाएंगे, ये लाइन और ये स्प्लाइन दोनों को सिलेक्ट करना है और ओके करेंगे तो ये मेरा कंटिन्यूस स्प्लाइन क्रिएट हो गया है। तब जब हमको कंटिन्यूस कर्व बनाना है तब हम कॉम्पोजाइट कर्व का यूज़ करेंगे। उसके बाद है कर्व थ्रू एक्स वाई जेड, तो उसका यूज़ कब करेंगे, जब हमको कोऑर्डिनेट वाइज कर्व बनाना है तब हम उसका यूज़ करेंगे। लाइक मैं कर्व थ्रू एक्स वाई जेड पॉइंट है, तो जैसे एक्स वाई जेड क्लिक करते हैं यहाँ पे पॉइंट में डाल देता हूँ, वैल्यू डाल देता हूँ, स्टार्टिंग एक्स में 15, वाई में कितना 10 और जेड में 20, सेकंड एक्स में 30, वाई में 50 और जेड में 60। तो मेरा जो कर्व है वो ऐसे ही बनना स्टार्ट हो गया है। वैसे ही हम कोई रेफरेंस के मदद से कोई कर्व बनाना चाहते हैं, लाइक ऐसा, अभी मुझे इसके ऊपर रेफरेंस वाइज कर्व बनाना है तब भी मैं ये कर्व थ्रू रेफरेंस का यूज करूँगा। पॉइंट लेना है इसमें, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जैसे आपको रेफरेंस वाइज बनाना है कुछ तो आप रेफरेंस वाइज भी कर्व बना सकते हो। और यहाँ से ओके कर दो तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। तो इतने ऑप्शन हमारे पास है। अब हमारे पास आता है हेलिक्स एंड स्पाइरल। हेलिक्स एंड स्पाइरल का यूज़ हम स्प्रिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर स्प्रिंग है, थ्रेड निकालने के लिए भी करते हैं यूज़ उसका। तो हेलिक्स एंड स्पाइरल का यूज़ हम नॉर्मली जो हमारे पास स्प्रिंग रहती है, स्प्रिंग है, नट एंड बोल्ट है, उसके अंदर थ्रेड निकालने के लिए भी हम हेलिक्स एंड स्पाइरल का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको पहले तो कोई एक स्केच बनाना पड़ेगा, जितने डायमीटर का आपको स्प्रिंग बनाना है उतना डायमीटर का आप एक रेफरेंस बना दो। लाइक 100 mm का मुझे स्प्रिंग बनाना है तो 100 mm ले लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, हेलिक्स एंड स्पाइरल में जाऊँगा, जैसे ही मैंने ये रेफरेंस सेट किया है, लाइक जो मैंने 100 mm का डायमीटर लिया है तो उसके रेफरेंस से वो स्प्रिंग बनना स्टार्ट हो गया है। हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है पिच एंड रिवॉल्यूशन, हाइट एंड रिवॉल्यूशन, हाइट एंड पिच एंड स्पाइरल। तो पहला है पिच एंड रिवॉल्यूशन, आपको पिच कितना रखना है 100 का पिच रखना है उस, अभी मैं 100 का पिच रखता हूँ। रिवॉल्यूशन कितना रखना है, लाइक मैं 10 करता हूँ, तो यहाँ पे हमारी हाइट हो गई है 1000 mm एंड डायमीटर है 1000, रिवॉल्यूशन है 10। तो आप
उसके मदद से आप स्पाइरल स्प्रिंग जो है वो बना सकते हो। अभी जो मेरा पॉइंट है वो 270 डिग्री पे है। मैं स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो 0 डिग्री से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। अभी मेरा जो स्पाइरल है वो क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन भी मैं चेंज कर सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, आप जो भी करना चाहते हो यहाँ से आप ऑप्शन यूज़ कर लो। दूसरा है पिच एंड रिवोल्यूशन है वैसे ही हाइट एंड रिवोल्यूशन। मुझे हाइट एंड रिवोल्यूशन चाहिए, लाइक मुझे हाइट चाहिए 500, रिवोल्यूशन 10, तो ये मेरी हो गई हाइट एंड रिवोल्यूशन। तीसरा ऑप्शन है हाइट एंड पिच, हाइट मेरी है 50, पिच है मेरा 20, तो वैसे हम अलग अलग स्प्रिंग बना सकते हैं जो भी आपको चाहिए वैसे। और लास्ट ऑप्शन है स्पाइरल, स्पाइरल आप बना सकते हो, 20 का पिच है, रिवोल्यूशन 25 है, तो ऐसे आप स्पाइरल भी स्प्रिंग क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं नॉर्मली पिच एंड रिवोल्यूशन में जाता हूँ और यहाँ पे कांस्टेंट पिच के जगह पे वेरिएबल पिच कर देता हूँ। वेरिएबल पिच भी हम रख सकते हैं। यहाँ पे पहला पिच है 20, दूसरा पिच मुझे चाहिए 30, रिवोल्यूशन 25 वो चलेगा, डायमीटर ये हाइट है 625, यहाँ पे डायमेंशन में रख लेता हूँ, सॉरी रिवॉल्यूशन 270 रखते हैं, यहाँ पे डायमीटर कर देते हैं 150, रिवॉल्यूशन 10 ही रखते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे 150 का डायमीटर ले लिया है तो ऊपर की साइड वो स्प्रिंग बढ़ने लगा है। वैसे ही आप अलग अलग स्प्रिंग कर जो पिच है वो बढ़ा सकते हो, यहाँ से 10, सॉरी 20, यहाँ पे रखता हूँ 200, तो आप अलग अलग स्प्रिंग भी बना सकते हो, यहाँ पे 50 और यहाँ से जस्ट कर दो, ओके, तो ये मेरा स्प्रिंग रेडी हो गया है। अब ये हमारा रेफरेंस जियोमेट्री और कर्व्स हो गए हैं कंप्लीट, तो अब उसकी मदद से हम स्वीप टूल्स का यूज़ करेंगे। स्वीप टूल्स के लिए मैं स्वीप में जाता हूँ, स्वीप बॉस में जाता हूँ। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है स्वीप में, जैसे ही मैं स्वीप जाता करता हूँ यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो स्केच प्रोफाइल और दूसरा है सर्कुलर प्रोफाइल। मैं अभी सर्कुलर प्रोफाइल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ये जो प्रोफाइल हमारी बनाया हुआ है, पाथ जो बनाया हुआ है उसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 20 mm का मुझे जो इसका डायमीटर है स्प्रिंग का 20 mm चाहिए, तो मैं डायरेक्ट 20 mm लिख दूंगा। जैसे हम 20 mm देंगे थोड़ा लोड लेगा वो, पिच 10 mm कर देते हैं। यहाँ से थिन फीचर्स चाहिए हमको तो थिन फीचर्स भी हम ले सकते हैं 1 mm का। कौन सी डायरेक्शन, उसके अंदर भी तीन ऑप्शन है, 1 डायरेक्शन, मिड प्लेन और 2 डायरेक्शन। मिड प्लेन करूँगा तो मेरा हाफ हाफ पोर्शन ऊपर नीचे होगा एड, और यहाँ से जस्ट कर दो ओके, तो ये मेरा स्वीप रेडी हो गया है। जैसे ही स्वीप हम ओके करेंगे तो मेरा जो स्प्रिंग बनाया हुआ है वो अंदर से हॉलो हो गया है, तो ये हुआ सिंपल स्वीप। दूसरा मेरे पास है न्यू फाइल लेते हैं, टॉप लाइन पे मैं कोई स्केच बना लेता हूँ, लाइक ये सर्कल है मेरा 50 mm का, 50 mm डायमीटर का एक सर्कल बनाता हूँ।
स्केच के बाहर निकलता हूँ, फ्रंट प्लेन पे जाता हूँ, नॉर्मल भी करता हूँ और स्प्लाइन क्रिएट कर देता हूँ मैं। अभी मैं स्वीप में जाता हूँ। जैसे स्वीप के अंदर मैंने पहला ऑप्शन देखा सर्कुलर प्रोफाइल, ऐसे दूसरे ऑप्शन है स्केच प्रोफाइल। स्केच प्रोफाइल के अंदर हमने ये स्केच बनाया है वो सिलेक्ट करना है, और प्रोफाइल के अंदर ये प्रोफाइल। स्वीप में ऑलवेज इतना याद रखना है कि हमको जो भी प्रोफाइल और पाथ है दोनों परपेंडिकुलर प्लेन पे बनाना है, तो उसके लिए मैंने स्केच सिलेक्ट कर दिया ये वाला प्रोफाइल, और पाथ के अंदर ये वाला पाथ सिलेक्ट कर दिया है। तो अभी मेरा जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो गया है, स्वीप जो है क्रिएट हो गया है। तो ये हुआ स्वीप, तो ये सिंपल स्वीप हुआ। दूसरा है हमारे पास स्वीप के अंदर ही ऑप्शन है, लाइक मैं स्केच को डिलीट कर देता हूँ, फ्रंट प्लेन पे मैं स्केच ड्रॉ करता हूँ, लाइक लाइन से एक स्केच ड्रॉ कर देता हूँ, मैं मॉक टाइप कुछ बनाता हूँ। इसको अभी डिलीट कर देते हैं, हम हाइट ज़्यादा रखते हैं, स्केच के बाहर निकलता हूँ। ये मैंने दो स्केच क्रिएट कर दिए। वापस मैं फ्रंट प्लेन पे जाता हूँ, स्केच लेता हूँ, स्प्लाइन से मैं मॉक जो हमारा जग है उसका शेप क्रिएट करते हैं हम थोड़ा सा। अभी क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मुझे एक ही लाइन में लाना है। जैसे ही हम एक लाइन में लाते हैं वापस ये पॉइंट ले लो, सर्कल कंट्रोल करके सर्कल क्लिक करते हैं और मेक पियर्स कर देते हैं और यहाँ से जस्ट ओके करते हैं। तो ऐसे मैंने प्रोफाइल क्लिक कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, हम स्वीप में जाएंगे। स्वीप में जाने के बाद स्केच प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल कौन सी, ये वाली, पाथ कौन सा, ये वाला, और चले जाना है गाइड कर्व के अंदर। गाइड कर्व के अंदर जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे मुझे पाथ सिलेक्ट करना है और कर देना है ओके। तो ये मेरा जग टाइप क्रिएट हो गया है। सेम वैसे ही मैं फ्रंट प्लेन लेता हूँ, नॉर्मल व्यू, वापस मैं स्प्लाइन से इसका शेप क्रिएट कर देता हूँ हैंडल का। जैसे ही मैंने ये हैंडल बनाया है, अब क्या करेंगे, नॉर्मली इसको बाहर इसके बाहर निकल जाते हैं हम। स्वीप में जाना है और सर्कुलर प्रोफाइल के अंदर ये पाथ सिलेक्ट करना है और जस्ट ओके कर देना है। तो ये मेरा मग है, उसका हैंडल क्रिएट हो गया है। सेल में जाके आप सेल भी दे सकते हो, जितने थिकनेस का आपको मग का थिकनेस देना है। वो भी एक नया फीचर सेट करते हैं, इंसर्ट में जाके फीचर्स डिलीट एंड सॉरी पिक्चर्स में जाएंगे, सॉरी फेस में जाना है, डिलीट फेस के अंदर डिलीट एंड पेज करते हैं, फेस को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये जो हमारा फेस है वो फिल हो जाएगा। तो इसके मदद से हम जो जग है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरा जग जो है वो रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हो कि कैसे स्वीप के मदद से हम अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अब आता है कि स्वीप के अंदर ही मेरा सिंपल प्रोफाइल है, लाइक एक स्क्वायर है, टॉप प्लेन के अंदर मैं स्क्वायर बनाता हूँ, फ्रंट प्लेन के अंदर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ लाइक ऐसा स्टेट। अब मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा उसको ट्विस्ट करना है, तो उसके लिए मैं ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, स्टेट जा रहा है, पाथ जैसे सिलेक्ट किया है वैसे पाथ के मुताबिक वो जा रहा है। अब हमको क्या करना है, ऑप्शन में जाके यहाँ से ट्विस्ट का ऑप्शन ऐड कर देना है, स्पेसिफाइड ट्विस्ट वैल्यू। ट्विस्ट वैल्यू के अंदर हम यहाँ से डिग्री लिख देंगे, लाइक 1200 डिग्री लिख देता हूँ, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ट्विस्ट होना स्टार्ट हो गया है।
तो इसके मदद से हम ड्रिल बिट है जो भी ऑब्जेक्ट है वो बना सकते हैं छोटे मोटे। तो ऐसे हम स्वीप के मदद से ऐसा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास लॉक्ड। लॉक्ड लॉक क्या काम करता है? तो लॉक के लिए हमको ऑलवेज इतना याद रखना पड़ेगा कि अलग अलग प्लेन पे हमको ऑब्जेक्ट जो स्केच है हमारा वो क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे स्वीप है तो स्वीप के अंदर कैसा है कि अलग डिफरेंट प्लेन पे हमको स्केच बनाना है, लाइक परपेंडिकुलर प्लेन। बट इसके अंदर पूरा जो रेफरेंस है प्लेन उसको ऑफसेट देके एक प्लेन बनाना पड़ेगा। लाइक मैंने अभी ये टॉप प्लेन पे एक स्केच बनाया है, तो दूसरा मुझे टॉप प्लेन के रेफरेंस से कोई एक मैं स्केच क्रिएट कर देता हूँ। लाइक थोड़ा 170 mm का गैप छोड़ के दूसरा मैं वापस लेता हूँ उसके रेफरेंस में, हेड कर देते यहाँ से, सॉरी नया ही प्लेन बनाते। यहाँ पे मैं पौड़ी 2 ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। अभी मैं ये प्लेन पे कुछ ऑब्जेक्ट अलग बनाता हूँ, लाइक स्केच जो है हमारा जो प्रोफाइल है वो थोड़ा छोटा कर देते हैं। प्लेन 2 है उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट ऐसा, और प्लेन 3 है तो उसका ऑब्जेक्ट उसका स्केच भी हम थोड़ा अलग बना लेते हैं। और यहाँ से मैं एक्सिट करता हूँ। तो मैंने ये डिफरेंट प्लेन पे डिफरेंट स्केच बनाए हुए हैं। अब उसके मदद से हम लॉक बॉस का यूज़ करेंगे, लॉकटेड बॉस का। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, प्रोफाइल एंड गाइड कर्व। तो प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, मैंने ये एड सिलेक्ट किया है तो वही साइड के एड सिलेक्ट करो, क्योंकि हमको रेफरेंस जो प्लेन है उस एक ही लाइन में मिले इसीलिए, वरना मेरा जो एड मैं दूसरा ले लूँगा तो ये जो मेरा पॉइंट है वो ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि नॉर्मली एक ही लाइन में लाने के लिए नॉर्मल व्यू करके हम ये जो जितने भी पॉइंट है वो दो एक ही लाइन में लाने का ट्राई करेंगे ताकि वो ट्विस्ट ना हो जाए। तो ये हुआ हमारा सिंपल ही लॉब। बट मुझे लॉब के अंदर भी पाथ बनाना है, लाइक मैं अभी ये लॉब को डिलीट कर देता हूँ और मैं फ्रंट प्लेन पे जाता हूँ, नॉर्मल व्यू करता हूँ और कोई पाथ बना लेता हूँ। लाइक मैं ऐसा कोई पाथ क्रिएट कर लेता हूँ, ऐसे पाथ के मदद से हम कुछ वर्क करना चाहते हैं। ये पॉइंट सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल करके ये लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं पियर्स कर दूंगा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं मूव नहीं होगा। सेम वैसे ही ये पॉइंट और ये लाइन को पियर्स कर देंगे तो मेरा पॉइंट फिक्स हो गया। वैसे ही जितने भी पॉइंट है हमने लिए हुए हैं कंट्रोल करके के पॉइंट और लाइन को क्लिक करके हम पियर्स कर देंगे ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं मूव ना हो। तो ये मैंने पाथ बना लिया है, सेम वैसा ही मैं दूसरा पाथ मिरर कर लेता हूँ। स्केच में जाता हूँ, सॉरी स्केच ऑन ही रखते हैं और यहाँ से सेंटर लाइन ले लेते हैं, मिरर में जाते हैं ये ऑब्जेक्ट हमारा और मिरर अबाउट ये। तो ये मैंने मिरर लगा दिया है, ये मेरा पाथ रेडी हो गया है। सेम वैसे ही मैं राइट प्लेन पे जाता हूँ, पाथ क्रिएट कर देता हूँ जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट है वैसे ही। वापिस उसको सेम ही प्रोसेस करना है, ये लाइन और हेड पॉइंट पियर्स, ये पॉइंट कंट्रोल करके ये लाइन पियर्स, ये पॉइंट
लाइन पियर्स और लास्ट में जो ऑप्शन है हमारे पास ऑब्जेक्ट के थोड़ा ट्विस्ट हो गया है ये पॉइंट लाइन पॉइंट और लाइन को पियर्स इसे सारे पॉइंट को हम पियर्स कर देंगे ताकि वो फिक्स हो जाए कहीं मूव ना हो। आपको जैसे भी रिक्वायरमेंट है वैसा शेप आप क्रिएट कर सकते हो स्प्लाइन की मदद से। वापस मैं मिरर करता हूँ ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हुआ और मिरर अबाउट ये लाइन तो मेरी मिरर हो गया है। ये मेरा पार्ट क्रिएट हो गया है अब स्केच क्रिएट हो गया है। अभी मुझे ये ऑब्जेक्ट को क्या करना है लॉप की मदद से लॉप करवाना है ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लॉपटेड में जाएंगे। लॉपटेड के अंदर ये जो हमारा स्केच है उसको सिलेक्ट करना है उसके बाद ये स्केच उसके बाद ये स्केच और लास्ट में ये स्केच सिलेक्ट करना है। जैसे ये स्केच सिलेक्ट किया उसके बाद हमको क्या करना है कि जो हमारा कर्व है जो हमने गाइड कर्व बनाया है वो गाइड कर्व सिलेक्ट करना है एक एक करके। गाइड कर्व में जाके यहाँ पे यस कर देना है तो ये मेरा ऑब्जेक्ट लॉक्ड हो गया है। वापस सेम प्रोसेस ये साइड और सेम प्रोसेस ये साइड। तो ऐसे गाइड कर के मदद से हम लॉक का यूज़ कर सकते हैं ऐसे अलग डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हुआ लॉप्ड। वैसे हमारे पास है लॉप्टेड कट स्वीप कट और स्वीप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर ऐड होगा इसके अंदर कट होगा। अब देखते हैं लॉप्टेड कट। लॉप्टेड कट में जाता हूँ सॉरी उसके पहले हम स्केच बना लेते हैं। ये प्लेन स्केच ऑफसेट में जाके मैं ये ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ और रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ। वापिस नीचे वाले प्लेन में जाते हैं स्केच बना लेते हैं ऑफसेट में जाके ये फेस सिलेक्ट करते हैं टॉप प्लेन स्केच ऑफसेट ये फेस रिवर्स डायरेक्शन और ओके कर देता हूँ और लॉप कट में चले जाते हैं। लॉप कट के अंदर यहाँ से हम लेते हैं स्केच 8 और स्केच 10 तो मेरा लॉप होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से ओके कर दो तो ये मेरा लॉप कट स्टार्ट हो गया है। तो आप लॉप कट के मदद से ऐसा कट भी कर सकते हो जैसे ही रिक्वायरमेंट है वैसे आप कट भी ले सकते हो। अभी ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये स्केच का भी कोई काम नहीं है। नॉर्मल भी करते हैं ये दोनों स्केच का भी अभी काम नहीं है। मैं सप्रेस कर देता हूँ ये दोनों प्लेन को भी सप्रेस कर देते हैं। अभी मेरा जो ऑब्जेक्ट है परपेंडिकुलर प्लेन पे आपको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा आप शेप क्रिएट कर दो। अभी हम देखने जा रहे हैं बाउंड्री बॉस। बाउंड्री बॉस क्या है कि स्वीप और लॉप का कॉम्बिनेशन है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप बाउंड्री बॉस के अंदर स्वीप
के जैसा भी काम कर सकते हो, लॉक के जैसा भी काम कर सकते हो। अभी मैंने एक स्केच बनाया, वापस फ्रंट प्लेन पे दूसरा स्केच बना लेता हूँ। लाइक ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को डिस्टेंस दे देते हैं। अब क्या करेंगे, बाउंड्री बॉस में जाना है, डायरेक्शन वन के अंदर ये डायरेक्शन, डायरेक्शन टू के अंदर सिर्फ हेड सिलेक्ट करना है, सेम हेयर्स। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ऐसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाना है वैसा हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बाउंड्री बॉस सेम बाउंड्री कट है, बाउंड्री कट में जाते हैं। उससे पहले हम ये जो स्केच है हमारा टॉप प्लेन ले लेते हैं, ऑफसेट में जाके जो हमारा स्केच वन है उसको हम रिवर्स डायरेक्शन ले लेते हैं, ओके करते हैं। और पाथ के अंदर वही पाथ दे देते हैं, बाउंड्री कट में जाता हूँ मैं, डायरेक्शन वन के अंदर ये जो स्केच बना है वो स्केच सिलेक्ट करना है, और डायरेक्शन टू के अंदर ये डायरेक्शन, सॉरी ऑब्जेक्ट दूर है तो मुझे इसका भी ऑफसेट लगाना पड़ेगा। फ्रंट प्लेन पे जाते हैं, स्केच ऑफसेट एंटिटी और स्केच टू, नया स्केच बना लेते। बाउंड्री कट में जाते स्केच वन में, स्केच वन और डायरेक्शन टू के अंदर डायरेक्शन टू दे देते, और जैसे ओके करेंगे तो मेरा जो बाउंड्री कट है वो रेडी हो गया है। हम हाफ सेक्शन करके भी देख सकते हैं। डायरेक्शन टू अगर मैंने दूसरा पाथ बनाया होता तो दूसरे डायरेक्शन में भी वर्क करता। तो यह हुआ सिंपली पार्ट मॉडलिंग हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।